इसराइल के साथ पिछले एक महीने से जारी युद्ध के साथ गाजा पट्टी में फंसे लोगों के लिए सऊदी अरब की ओर से मानवीय सहायता भेजी गई है। यह मदद सामग्री की पहली खेप जल्द ही वहां पर पहुंच जाएगी। सऊदी अरब ने इसकी सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारियां दी है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट में कहा है कि किंग सलमान द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता और राहत सामग्री की पहली खेप मिस्र और गाजा की सीमा पर स्थित रफाह बॉर्डर पॉइंट पार करते हुए गाजा पट्टी की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी के हमास लड़ाकों ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया था। उसके बाद इसराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में काफ़ी बर्बादी हुई है।